उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। सरकार द्वारा उनको एक नया ऑप्शन दिया गया था, लेकिन वो उस पर भी तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए, हम किसी और चीज से समझौता नहीं करेंगे। आज इसी मकसद को लेकर के अटेवा के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन लखनऊ में किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी आए हुए हैं, जो अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि एनपीएस धोखा है और यूपीएस महाधोखा है। हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें केवल पुरानी पेंशन योजना चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना ही कर्मचारियों के हित में है। कई संगठनों के कर्मचारी नेता यहाँ पर आज आए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजेंद्र यादव जी से, जो प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के महामंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, किस प्रमुख मांग को लेकर के आज अटेवा के धरने में आप लोग शामिल हुए हैं? प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन, जो सरकार ने पहले एनपीएस दिया उसके बाद यूपीएस दिया, लेकिन ये दोनों धोखा है। हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ ओपीएस, ओपीएस से नीचे कोई समझौता नहीं है। निजीकरण को बंद करना कराना है और सरकारी नौकरियों पे जो पाबंदी है लगभग अघोषित रूप से, उस अघोषित रूप से पाबंदी को हटवाना, ये मुख्य काम बात है। सरकार यूपीएस लेकर के आई थी तो उसके बड़े फायदे उन्होंने गिनाए थे कि ये एक नई तरह का कर्मचारियों के हित में होगा। क्या आप लोगों ने उसको स्टडी किया तो क्या निकला यूपीएस में? सरकार तो ये एनपीएस भी लेके आई तो कही कि बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये, उसी तरह से यूपीएस को भी कह रहे हैं। न एनपीएस पेंशन है, न वो यूपीएस पेंशन है, मात्र पेंशन ओपीएस है। पुरानी पेंशन ही असली ओपीएस है, उससे नीचे कुछ समझौता नहीं है। ये यूपीएस तो एकदम धोखा है, ये कहाँ से पेंशन देंगे? जो हमारा जमा है उसी में से 19-20 करके, और 25 साल बाद बहुत कम लोगों की पूरी सर्विस 25 साल की होती है, बहुत कम लोगों की। और आज के डेट में 20 साल पे पुरानी पेंशन मिलती है हमको, जो पुराने जमाने से जो प्रथा नियम चला रहा है उसी नियम के तहत हमको ओपीएस चाहिए। ओपीएस से कितना फायदा मिलेगा अगर ओपीएस लागू होती है? और सरकार हमेशा उसके पीछे हट रही है, लगातार ओपीएस तो आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार कभी उस पर आना नहीं चाहती है। वो एनपीएस यूपीएस जैसे नए नए प्रलोभन लेकर के आ रही है। सरकार तो एनपीएस के नीचे कोई बातें नहीं करना चाहती है, चाहती थी, अब तो यूपीएस लेके आ गई। उसी तरह से आज नहीं तो कल सरकार को झुकना ही झुकना है और ओपीएस को लागू करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी 27वें 29वें विदाई तय है। हमारे साथ जल संस्थान के वरिष्ठ कर्मचारी नेता नेबूलाल जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने बहुत पुराने समय से कर्मचारियों के हित में आंदोलन करते रहे हैं, एनपीएस यूपीएस ओपीएस में से क्या ठीक मानते हैं कर्मचारी हित में? भाई, मैं तो एक सीधा जानता हूँ, क्योंकि पुराने से चली आ रही है। हम लोग नई पेंशन का जो है विरोध करते हैं। जो पुरानी पेंशन जो है 2004 से बंद किया गया है, उसको उसी समय से जो है चालू किया जाए। उसमें सभी कर्मचारियों के, पूरे देश से, प्रदेश से कर्मचारियों का भलाई है। नई पेंशन में जो है 2025 से लागू करने की बात कर रहे हैं। जो 20-25 साल नौकरी कर रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग पुरानी पेंशन की मांग करेंगे। और संगठन के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुराने ही पेंशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लेके रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कर्मचारियों का कहना है कि हम किसी और स्कीम पे नहीं भरोसा करते हैं, हमें केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। आप अच्छी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। कुछ और कर्मचारी नेताओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उनका क्या कहना। सर, सरकार पहले तो न्यू पेंशन स्कीम लेके आई, फिर यूपीएस लेकर के आई, अब आप लोगों की मांग क्या है और क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार वही काम की है जो एनपीएस लाने पे की थी, उसको समझने में 10-20 साल गुजर गए। वैसे वो भी चाहती है कि 10-20 साल गुजर जाए यूपीएस समझने में, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, तुरंत समझ गए, इसलिए तुरंत इसका विरोध होना शुरू हो गया। अब कोई कर्मचारी 10 साल का इंतजार नहीं कर रहा है कि हम 10 साल वेट करें इसका समझे कि रिजल्ट क्या आएगा। लोग पहले ही रिजल्ट समझ गए हैं, इसलिए तुरंत लोग इसका जो है प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, लोग विरोध कर रहे हैं। और हमारी मांग ये कही है
वी वांट ओनली ओपीएस, हमको ओपीएस चाहिए, दूसरी उसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। अगर इतनी अच्छी उनको यूपीएस लग रही है तो जितने लोगों ने सिग्नेचर किया है या प्रशासन जो चाहते हैं वो खुद पहले यूपीएस को पसंद करें, यूपीएस ले, उसके बाद जो है हमको सलाह दें कि आप यूपीएस लीजिए। अच्छा, यूपीए सरकार लेकर के आई थी तो उस पर किन पॉइंट्स पे आप लोगों को आपत्ति है, किन पॉइंट्स से आप लोग नहीं चाहते हैं कि वो यूपीएस लागू हो? जो ओपीएस का जो प्रारूप है वो ये कहता है कि कोई भी मासिक कटौती जो भी ओपीएस के तहत होती है वो कर्मचारी को देय होती है, बाद में मिलती है, उसके खाते में जाता है और वो उसको अपनी बेटी की शादी, बच्चे की पढ़ाई, घर मकान के लिए उसको कभी भी विड्रॉल कर सकता है। और जो एनपीएस है और जो यूपीएस का जो इन्होंने जो सेटअप बनाया है वो सेटअप ये कहता है कि आप वो पैसा कभी अपने लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो पैसा केवल बाजार में जाएगा और पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी एक ऐसा रास्ता खुला जिसके लिए अपने बच्चों की पढ़ाई, घर में पिता का इलाज, माता का इलाज, ये सब करने में समर्थ। तो आपने देखा कि साफ तौर पर सभी कर्मचारियों का कहना है कि हम केवल ओपीएस की ही बात करेंगे, हम ओपीएस से नीचे किसी और चीज पर राजी होने वाले नहीं है। यूपीएस और एनपीएस किसी तरीके से कर्मचारियों के लिए मान्य नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कर्मचारी हित में नहीं है। लगातार कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के अपने आंदोलन को चला रहे हैं। सरकार यूपीएस भी लेकर के आई थी लेकिन कर्मचारियों ने उस पर भी अपनी नाराजगी जताई है और अब कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा किसी और स्कीम को नहीं मानेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।